केसर का नाम सुनते ही कश्मीर याद आ जाता है, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि केसर अब कश्मीर से निकलकर मालवा की जमीन इंदौर आ गया है। केसर अकेले ही नहीं बल्कि सेब समेत कश्मीर की भीषण ठंड में उगने वाले लगभग सभी फल अब इंदौर के केसर पर्वत पर उगाए जा रहे हैं। कैसे उपाय कर केसर उगाई गई, देखिए जरूर। कोई केसर कहे तो आप इंदौर का नाम लेना मत भूलो। इस पथरीली पहाड़ी को देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि यहाँ 40,000 से ज्यादा अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं और उसमें से एक केसर भी शामिल है। पूरे देश में जमीन पर केसर सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही उगती है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि इंदौर से 50 किलोमीटर दूर एक बंजर पहाड़ी पर केसर उगा दी गई है। तस्वीरें इंदौर के केसर पर्वत की है, जहां न केवल केसर बल्कि हर तरह के पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। मालवा की पथरीली बंजर पहाड़ी पर कश्मीर में उगने वाले लगभग सभी फल नजर आते हैं। समुद्री राज्यों के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, इटली और अफगानिस्तान में लगाए जाने वाले पौधे भी यहाँ उग रहे हैं। इस बंजर पहाड़ पर फलदार पेड़ और केसर उगाने का श्रेय रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर शंकर गर्ग को जाता है। हमने केसर के बीज कश्मीर से बुलवाए और कश्मीर के एक व्यक्ति को कहा कि आप खुद ही लगाओ, जिससे हम भी सीख लेंगे टेक्निक कैसे बीज लगाया जाता है जी। तो वो साथ में आए और अगस्त सितंबर में 3 साल पहले हमने केसर यहाँ लगाई। शंकर गर्ग बताते हैं कि पहाड़ी पर फल फूल पेड़ औषधि के साथ ही संजीवनी बूटी वाला दहीमन भी है, वही दहीमन जिसके लिए हनुमान जी पूरा पर्वत उठा लाए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी वो पहाड़ लाए थे तो ये तो नहीं पता संजीवनी किसमें थी, तो उस पहाड़ में वो दहीमन नाम का ही पौधा था। वो हमारे यहाँ लग रहा है 4-5 पौधे, क्योंकि वो भी लुप्त प्राय पौधा है। शंकर गर्ग ने 22 एकड़ की पथरीली पहाड़ी पर 40,000 से ज्यादा अलग अलग प्रजाति के पेड़ लगाए हैं और बड़ी बात यह है कि उनका लगाया हर प्रजाति का पेड़ पौधा इस पहाड़ी पर अच्छे से पनपता है। अपने आप में चमत्कार का पर्याय बन चुके केसर पर्वत पर दूर दूर से लोग घूमने और देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति यहाँ की हरियाली और फसल देखकर हैरान है। केसर पर्वत एक अद्भुत जगह है, एक पथरीली जगह थी जहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन आज एक इतनी हरियाली और इतना अच्छा सौरम्य जंगल बना है। वो एक बना जिन बनाया है उन्होंने की हिम्मत है, जिन्होंने इतना इसको वो रूप दिया है। बहुत सुंदर और बहुत पॉल्यूशन फ्री जगह है। केसर की खेती अभी हमने देखी, अभी हम एप्पल की खेती देख रहे हैं, अखरोट की खेती देख रहे हैं। इस तरह की चीज़ें अगर हम ऐसी जगहों पर अगर उगा सकते हैं तो हम देश के किसी भी कोने में इस तरीके की चीज़ों को उगा सकते हैं। इस पे कोई दो राय नहीं कि इस केसर पर्वत ने इंदौर को एक नई पहचान देने का काम किया है। प्रोफेसर शंकर ने असंभव को संभव कर दिखाया है। तकनीक को गंभीरता से लिया जाए तो आम जनता को इस पर्वत से बड़ा फायदा मिल सकता है। इंदौर से पुनीत विजय वर्गीय की रिपोर्ट।